नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। जनाज में आपका स्वागत है। बैंकों के निजीकरण से नाराज बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे। विरोध जताते हुए कहा कि 80 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निजी हाथों में क्यों देना चाहती है सरकार, हमें जवाब दे। दरअसल भारत के बैंक कर्मचारी एयर अफसरों के 9 संगठनों का यूनियन यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक ने सरकार के एक बड़े ऐलान के बाद 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करते वक्त किया गया था कि जल्द ही 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण इसी साल किया जाएगा। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की योजना के तहत इससे पहले IDBI बैंक को बेचने का काम चल रहा है। वहीं जीवन बीमा निगम में भी हिस्सेदारी बेचने का तो पिछले बजट में ही ऐलान हो गया था। हालांकि सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वो किसको बेचना चाहती है। एयर किसी हिस्सेदारी को कम करने पर काम कर रही है, लेकिन ऐसी चर्चा जोरों पर है कि सरकार 4 बैंकों को निजी हाथों में देने की तैयारी में है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिनकी पुष्टि होना अभी बाकी है। विरोध करने उतरे बैंक कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद से ही देश के विकास में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बावजूद उसके सरकार 80 लाख करोड़ की पूंजी निजी हाथों में सौंपना चाहती है। इस साल 1,80,000 करोड़ ऑपरेटिव प्रॉफिट हुआ है, सरकार इन सब बातों का जवाब दे। सरकार की बैंक की निजीकरण नीति के विरोध में पूरे देश में अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश है। आज देश के लगभग 10 लाख अधिकारी कर्मचारी सरकार की निजीकरण नीति के विरोध में हड़ताल पे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1969 के बाद जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उसके उपरांत बैंकों ने सूबों की विकास किया है। दूर दराज गाँव में बैंकिंग सुविधा का विस्तार हुआ। उसके अलावा देश के आर्थिक विकास में भी बैंकों ने जबरदस्त काम किया है और आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान प्रदान किया। उसके उपरांत भी सरकार बैंकों को निजीकरण क्यों चाहती है, हम पूछना चाहते हैं। आज देश की 80 लाख करोड़ की पूंजी वो निजीकरण के हाथों में क्यों सौंपना चाहती है, जबकि बैंक लाभप्रदता की स्थिति में इस साल ऑपरेटिव प्रॉफिट 1,80,000 करोड़ का ऑपरेटिव प्रॉफिट होगा। उसके बाद भी सरकार निजीकरण के हाथों में हमें बैंकों को क्यों बेचना चाहती है, हम सरकार से पूछते हैं। आज स्थानीय स्तर पर लगभग घंटाघर से रैली प्रारंभ होगी जो शहीद पार्क। बैंकों के निजीकरण को लेकर हमारी 2 दिवसीय हड़ताल रखी गई है। ये हड़ताल 15 मार्च और 16 मार्च को है। इसमें हमारे देश के 10 लाख से अधिक बैंकर भी शामिल हो रही है। इसमें हमारे बैंक के 9 यूनियन का संगठित ग्रुप UFBUF द्वारा इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इस राष्ट्रीयकरण का विरोधाभास ही निजीकरण है। जिस तरह आम आदमी की पहुँच राष्ट्रीयकृत बैंक के तक की होती थी और सभी योजनाएं जो निचले तबके तक की जाती है उसका निर्वहन बैंक द्वारा किया जाता था, तो अब मुझे लगता है कि इस एक आम आदमी की पहुंच इस से दूर हो जाएगा बैंक, और इसका प्रभाव ना केवल बैंक कर्मी पे, बैंक के ग्राहकों पे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो हम इस निजीकरण का विरोध करते हैं।